Hello everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about short story. So short story is a literary term and it is important for every literature student. So let's start. Short story जो आपका literary term है, वैसे तो वो specially आपके BA third year student syllabus में है of MDS University specially. बट अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, और कुछ लोगों को पता भी होगा शॉर्ट स्टोरी क्या है. सो लेट्स बिगिन. शॉर्ट स्टोरी का अगर हम एकदम शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं, देन शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फुली डेवलप्ड स्टोरी विच इज़ शॉर्टर देन अ नॉवल एंड लॉन्गर देन अ फेबल. ठीक है, नॉवल से छोटा होता है और फेबल से बड़ा होता है. फेबल तो बहुत छोटा, मतलब आप बोल सकते हैं 2 or 3 पेजेस का कुछ स्टोरी होता है जिसमें पूरा स्टोरी कंप्लीट हो जाता है. बट नॉवल जो होता है वो एक बहुत बड़ा नॉवल होता है जिसमें प्लॉट सबप्लॉट चलते रहते हैं. बट जो शॉर्ट स्टोरी है वो इन दोनों से कुछ छोटा होता है और पूरी स्टोरी में कंप्लीट सेंस निकल जाता है. और आप लोग के सेकंड पेपर के सिलेबस में स्पेशली आपको, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आपको शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ने को भी मिलती है. अच्छे अच्छे राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं. तो आपको पता ही है कि वैसे शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, बट अगर आप इसका लिटरेरी टर्म करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट स्टोरी का डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं. तो ऑब्वियस है, स्टोरी को राइटर लिखता है, उसमें एक नैरेटर होता है जो कि बताता है, स्टोरी को सुनाता है ना. सेटिंग होती है कहीं, ऑब्वियसली कोई ना कोई सेटिंग ज़रूर होगी. आई मीन कब वो लिखी गई है स्टोरी, है ना, कौन से प्लेस पर लिखी गई है, या मतलब किस थीम पर लिखी गई है. कुछ थीम भी होता है स्पेशली उसमें, है ना, कुछ हमें पढ़ के फील होता है उसको कि ये ग्रीड पे है, या ये फ्रेंडशिप पे है, या लव पे है, या रोमांटिक है. मतलब टाइप भी पता चलता है शॉर्ट स्टोरी को पढ़ने के बाद कि ये किस टाइप का है. कैरेक्टर्स होते ही हैं आराम से. बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो 4 or 5 कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट स्टोरी में. प्रोटेगोनिस्ट होता है, ऑब्वियसली कोई प्रोटेगोनिस्ट ज़रूर होगा, है ना, जो दो जने या एक जना ऐसा स्टोरी में होगा जो स्टोरी को लीड करेगा, जिसके स्टोरी इर्द गिर्द घूमेगी. और ऐसा माना जाता है कि एडगर एलन पो, जो कि शॉर्ट स्टोरी, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, कौन, एडगर एलन पो. तो आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी क्या है एज अ लिटरेरी टर्म आपको समझ आया होगा. बट आपको फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, शॉर्ट स्टोरी का अगर आप एग्ज़ाम में आंसर करके आते हैं तो एक अच्छा सा उसका डेफिनेशन लिखें. उसके बारे में जिन जिन राइटर्स ने डेफिनेशन दिए हैं वो 2-3 डेफिनेशन लिखें. उसके अलावा जो भी उसके फीचर्स हैं, राइटर, नैरेटर, कैरेक्टर्स, प्रोटेगोनिस्ट, है ना, थीम, सेंट्रल आइडिया, सो ये सारे फीचर्स आप लिख कर आएँ. और फीचर्स के अंदर आप लिख के आएँ कि वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, है ना. तो जैसे नैरेटर है तो इसका मीनिंग लिख के आएँ कि नैरेटर का क्या यूज़ है शॉर्ट स्टोरी में, राइटर का क्या यूज़ है, थीम क्या क्या होती है, थीम का क्या यूज़ होता है, सेटिंग है तो सेटिंग क्या है, किस पे डिपेंड होती है सेटिंग, टाइम, प्लेस. वैसे मैंने आपको जब नॉवल का, जब लिटरेरी टर्म का जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आपको एक पिरामिड बनाया था मैंने, उसमें बताया था कि राइजिंग फॉल, है ना, और आपको मैंने बताया था कि इसमें ये चलता है, प्लॉट होता है. तो वो आप एक बार देखिए, वो भी कहीं ना कहीं इसको टच करेगा, इम्पॉर्टेंट है वो भी. क्योंकि नॉवल और शॉर्ट स्टोरी दोनों में है तो स्टोरी, बट नॉवल जो है वो एक बड़ी स्टोरी है, उसका जो लिखने का है वो बहुत बड़ा लेंथी होती है वो, और शॉर्ट स्टोरी इतनी लेंथी नहीं होती. बाकी कुछ चीज़ें उनमें सेम होती है, कैरेक्टर्स उनमें भी होते हैं, सेटिंग उनमें भी होती है, प्रोटेगोनिस्ट उसमें भी है, नॉवल में भी, इसमें भी है. तो ये शॉर्ट स्टोरी होती है. एक बार मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ थोड़ा सा रीड आउट करके. अ शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन. ऑब्वियसली ये एक प्रोज फिक्शन होता है, प्रोज में लिखा हुआ होता है शॉर्ट स्टोरी. That typically can be read in one setting and focuses on a self-contained incidents or series of linked incidents with the intent of evoking a single effect or mood. Obviously किसी ना किसी तो setting पर रखी गई होगी ना कोई focus करके तो लिखा ही गया होगा. मतलब आपको पता है कि जो writers होते हैं वो चीज़ों को observe करते हैं. मैंने जब novel का video बनाया तो भी example दिया था कि जैसे अभी corona pandemic चल रहा है, तो corona pandemic में किसी के साथ क्या हुआ, हम वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करें, उस पर हम शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं, नॉवल लिख सकते हैं. और आने वाले टाइम में बिल्कुल आएंगी भी इन पे शॉर्ट स्टोरी, नॉवल्स, पोएम्स, ये सब आपको रीड करने को मिलेगी. कुछ कुछ तो बन भी चुकी है. तो ऐसा ही है, जैसे बहुत सारे सॉन्ग भी कंपोज हुए थे कोरोना पे. तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक ऑब्जर्व करने से आती है. इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेटिंग दिखाई जाती है.
तो अगर हम कोरोना के बारे में अगर आज से 5 साल बाद या 20 साल बाद भी पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि इसकी सेटिंग क्या है। कोरोना 2020 में कोरोना आया था उस पर नॉवल लिखी गई है। अगर कोई नॉवल लिखी जाएगी और 20 साल बाद हम उसे पढ़ेंगे तो ऐसा होगा। तो ये आप शायद समझ गए कि सेटिंग का मीनिंग क्या है। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट टिपिकली कैन बी रीड इन वन सेटिंग एंड फोकसेज ऑन अ सेल्फ कंटेन्ड इंसिडेंट्स और सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट्स विद द इंटेंट ऑफ इवोकिंग अ सिंगल इफेक्ट और मूड। द शॉर्ट स्टोरी इज अ क्राफ्ट फॉर्म इन इट्स ऑन राइट। शॉर्ट स्टोरीज मेक यूज ऑफ प्लॉट, रिनाउंस एंड अदर डायनेमिक कंपोनेंट्स एज अ नॉवल बट टिपिकली टू अ लेसर डिग्री। वाइल द शॉर्ट स्टोरी इज अ लार्जली डिस्टिंक्ट from the novel or novella, short story author generally draw from a common pool of literary technique. Short story writer may define their works as part of the artistic and personal expression of the form. They may also attempt to resist characterization by genre and fixed formalization. Short stories have deep roots and the power of short fiction has been recognized in modern society for hundreds of years. Dekho, short story जो है वो नॉवल के जैसी ही होती है। ऑब्वियसली नॉवल में भी कैरेक्टर, प्रोटैगोनिस्ट सब सब चीज़ें हैं, शॉर्ट स्टोरी में भी ये है। बट शॉर्ट स्टोरी में राइटर क्या करता है, अपनी बात को लिमिटेड शब्दों में कहने का ट्राई करता है। और जो नॉवल होता है उसमें वो उस बात को, एक ही बात को घुमा फिरा के भी बोलता रहता है और आगे से आगे लोगों से लिंक करता रहता है और एक बड़ा उसका नॉवल बन जाता है। लिंक करके चीज़ों को बता देता है, कोई भी स्टोरी होगी उसको उसमें प्लॉट सबप्लॉट सब दिखा दिया जाता है नॉवल में। ये होता है शॉर्ट स्टोरी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि शॉर्ट स्टोरी क्या है। आप इसको अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे तो आपको यही करना है, डेफिनेशन शॉर्ट स्टोरी की क्या है, देन इसके बारे में किस किस ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कौन है, इसके फीचर्स क्या क्या है, फीचर्स का मीनिंग क्या क्या है, सेटिंग है तो सेटिंग क्या है, प्रोटैगोनिस्ट कौन है, राइटर कौन है, नरेटर कौन है, कैरेक्टर्स क्या क्या है और इसकी थीम क्या क्या हो सकती है, थीम का मीनिंग क्या है। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है शॉर्ट स्टोरी के, आप अगर आंसर प्रिपेयर करते हैं तो। और आप इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके पास ग्लॉसरी बुक होगी उसमें आपको शॉर्ट स्टोरी की डेफिनेशन मिल जाएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच।